अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर 5.3 की। तो इसका केस थर्ड जो बनता है इस चैप्टर का, उसकी बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, कि इसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स एक और पॉलिनोमियल है, और नोमिनेटर जो है वो पी ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट, अगर आप क्यू ऑफ एक्स हमारे पास हो जाए, पहले तो बात ये इरिड्यूसिबल हो, ठीक है। इरिड्यूसिबल स्टूडेंट वो इक्वेशंस होती हैं जिनको हम लोग लीनियर मल्टीपल्स फैक्टर्स की सूरत, लीनियर फैक्टर्स के मल्टीपल्स की सूरत में नहीं लिख सकते, तो वो इरिड्यूसिबल होती है। थोड़ा सा बताता चलो इसको, कि ये जो इरिड्यूसिबल इक्वेशंस होती है ना, इन इक्वेशंस की वजह से हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर बना था। तो x² + 3, जब इनको हम सॉल्व करते थे तो ये आ जाता था हमारे पास -3। जब हम अंडर रूट लेते थे, ये तो बाद में इन्वेंट हुआ ना, तो इस तरह का इसका आंसर आता था। तो फिर इसी वजह से हमने इसको जब अंडर रूट लिया, तो इसकी वजह से ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये जो इरिड्यूसिबल हमारे पास है ना, इरिड्यूसिबल फैक्टर, इस फैक्टर की वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उसमें हमारे पास ये है कि अगर क्यू ऑफ एक्स जो है, ये हमारे पास फर्स्ट बात है ये नॉन रिपीटिंग हो, और सेकेंड इसमें इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो हमारे पास, ठीक है जी। ये इरिड्यूसिबल और इसकी पार्ट टू है, तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास पार्ट टू होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखना है, आपने इसको लिखने के लिए आपने ax + b लिखना है ओवर x² + 1, ठीक है स्टूडेंट। प्लस, अच्छा देखिए, अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास फिर लीनियर वाला केस आ गया, मतलब वो शफल कर देता है आपके पास ना केस, तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि हम वो वाला केस कर रहे हैं तो ये कहाँ से आ गया। तो ये पीछे वाला आप रिवाइज हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से सी आ जाएगा ओवर x + 3 की बात कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम वैसे इस कैल्शियम लेंगे 9x - 7 ओवर x² + 1 x + 3 = एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, जब x² + 1 × x + 3। तो शॉर्ट कर जरा इसको, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x + b × x + 3 c, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जब हमने तो x² + 1 आ गया, ये और ये कैंसिल आ गए। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया, ये 9x - 7 = आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी रहने दें, फिर भी ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप ताकि बाद में हमें आसानी हो जाए, +c × x² + 1, इसको आपने 2 कह देना, ठीक है। यहां आप लिख लें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² और एंड हमने कांस्टेंट भी इसमें इक्वेट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो विवेंस, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ से हाईएस्ट पावर इसकी x² थी, तो देखें अब हम देखते हैं, यहाँ तो x² नहीं है तो 0 कर लेंगे, यहाँ इसने इसे मल्टीप्लाई होना है, तो ये ax² है तो इसका कोएफिशिएंट a आ गया। यहाँ अब फिर यहाँ से c आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन कर लें, जब x² करेंगे तो उसमें देखते हैं क्या आता है हमारे पास स्टूडेंट। यहाँ से हमारे पास 9 आ गया, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3a आ जाएगा, जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो x ये b आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह अब हम कांस्टेंट की बात करेंगे, तो यहाँ से अच्छा कांस्टेंट की बात कर ले, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो लीनियर वाला ना, इसकी मदद से हम एक रिजल्ट निकाल लेते, अगर हमें रिजल्ट फिर उसके बाद आसानी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये -3 आ गया, इसको इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 9 × -3 - 7 = a × -3, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं b + b × -3 + 3 + c × -3² + 1, ठीक है। तो -27 - 7 ये स्टूडेंट हमारे पास 0 हो जाएगा,
प्लस सी इंटू नाइन प्लस वन, 10 आ गया, तो ये इसमें ऐड करेंगे 34, इधर आके डिवाइड का 10 इज इक्वल टू सी, सी हमारे पास इधर से आ जाएगा स्टूडेंट, ये 5 और ये 17, तो -17 ओवर 5, एक रिजल्ट ये ट्राई हो गया। ठीक है, अब ये सी उसमें सब्सिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर, इसको फोर्थ कह लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू 17 ओवर 5, जो दोनों ये जब हम इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ से बी आ गया हमारे पास, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 17 ओवर 5 प्लस बी आ जाएगा, तो 9 इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 थ्री जा 51 ओवर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 -51 ओवर 9 5 45, मैं डायरेक्ट इस कैल्सियम भी ले लिया, तो यहाँ से बी आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 ओवर 5 इज इक्वल बी, तो ये सारी कीमतें हमने उधर सब्सिट्यूट कर दी, तो एक ही जगह पे हम लोग लिख देंगे, वहाँ पे 17 ओवर 5 प्लस बी की जगह पे हम लोग ने लिख देना है जी, माइनस आ जाएगा 6 ओवर 5, ये एक्स आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस सी की जगह पे हमने लिख देना है जी, -17 ओवर 5 ओवर एक्स प्लस थ्री। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ब्राइटन स्टार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे कोई नई इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। ठीक है,